मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा कि आज मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पिकॉक मेहंदी डिज़ाइन, जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन में यूज़ किया जाता है, जैसे ब्राइडल, नॉर्मल, हैवी, जैसा आप चाहो। ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कोई नियम नहीं होते कि इसको आपको यहीं यूज़ करना है, या ऐसा कुछ बॉन्डिंग नहीं होती कि ये चीज़ यहीं पे अच्छी लगेगी। ये सिर्फ बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए, इसका शेप अपन को कैसे लेना है वो पता होना चाहिए, और उसका अपन को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। इस डिज़ाइन को ड्रॉ करने के लिए अपन को तीन चीज़ की ज़रूरत होती है, एक तो केरी की डिज़ाइन, पिकॉक का बॉडी शेप, और फेदर की डिज़ाइन यानी पंख की डिज़ाइन जो अपन पीछे की तरफ लेते हैं। अब उन तीनों के शेप को अपन को कैसे लेना है और अपने हाथ में कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, वो अपन को खुद ही डिसाइड करना होता है। जैसे अगर आपने केरी की डिज़ाइन का शेप लिया, तो केरी की डिज़ाइन की शेप आपकी कैसी परफेक्ट लगती है वो आप समझ सकते हैं ज़्यादा अच्छे से। वैसे जैसे मैंने बनाया है, ऐसा अगर आप केरी के डिज़ाइन का शेप लेते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी आपके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करना कि कौन सा शेप आपको केरी में ज़्यादा परफेक्ट लगता है। आपके केरी का शेप जिस हिसाब से रहता है या जिस साइज़ में रहता है, उस साइज़ में आपको उसका बॉडी शेप ड्रॉ करना है, यानी फेस और नेक ड्रॉ करना है, उस अकॉर्डिंग उसको फील करना है। अगर आप केरी की शेप में कंगूरे की डिज़ाइन लेते हैं, जैसे मैंने थोड़ा ड्रॉ करके छोड़ दिया है, वैसा अगर डिज़ाइन लेते हैं तो आपको मोर के बॉडी शेप को डार्क करना रहेगा। यानी अगर आप उसके केरी के डिज़ाइन को लाइट फिल करते हैं तो आपको उसके बॉडी शेप को डार्क फिल करना रहेगा, या आप केरी के डिज़ाइन को डार्क फिल करते हैं तो उसके बॉडी शेप को आपको लाइट फिल करना पड़ेगा। इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर भी मैं आपको मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना बताने की पूरी कोशिश करूँगी, जो आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा। फिर भी आपको लगता है तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट भी बना दूँगी, पर इसमें आपको क्या क्या चीज़ें समझ आ रही है वो आप पहले मेरे को शेयर करना, और आपको इसके आगे कौन सी चीज़ समझनी है वो मुझे कमेंट करना। ओके, जैसा आपने देखा मैंने उसका बॉडी शेप डार्क फिल किया है, और उसका जो केरी वाला शेप जो मैं बोल रही हूँ वो मैंने लाइट फिल किया है। आई डोंट नो कि आप इस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो आप इस चीज़ को समझ सकते होंगे। मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, पर हम लोग इधर MP में इसको केरी बोलते हैं, केरी के शेप में, क्योंकि ये ड्रॉ होता है। ठीक है, मैंने पीछे फेदर बनाया है। अब उनमें मैंने दो लाइनें, आपने दो तीन लाइनें जो मैंने एक्स्ट्रा ले रखी है, जो आपने देखी होगी केरी के और उसके बॉडी शेप के अलावा दो तीन लाइनें मैंने एक्स्ट्रा ले रखी है, वो मैंने इसलिए ली है ताकि जो भी मैं ड्रॉ करती जाऊँ वो एक दूसरे में मिक्स ना हो। इन दोनों को मैंने अलग अलग रखने की भी पूरी कोशिश की है। आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आप क्या बना रहे हैं, आप उसमें क्या फिल कर रहे हैं, और वो दोनों चीज़ें एक दूसरे में मर्ज तो नहीं होगी, वो चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। ठीक है, अब मैंने उसके फेदर में लाइन पूरी ड्रॉ की है। उसके फेदर आपको कैसे लेने हैं वो भी टोटली आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको इसके पहले कहा है कि इस डिज़ाइन में कोई बॉन्डिंग नहीं है कि आपको इसको ऐसे ही बनाना है। ये सिर्फ मैं आपको एक नॉलेज के तौर पे बनाती जा रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि हाँ, इसमें ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है कि आपको यही चीज़ ऐसे ही बनानी है। आपको जैसे जैसे दिखता जाए बस आप उसकी प्रैक्टिस करते जाना, पर उसमें बस ये चीज़ बिल्कुल याद रखना कि उसमें फिलिंग आप कैसी कर रहे हो, और आपके हाथ में वो चीज़ अच्छी लग रही है या आपसे वो चीज़ प्रॉपर बन रही है, यही इस चीज़ का मेन
रीज़न मतलब इसका बनाने का तरीका होता है कि आपके हाथ में क्या चीज़ सूट कर रही है। काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं पिकॉक के जो आप देख सकते होंगे, आपने काफ़ी बार देखे भी होंगे, पर कुछ एलिमेंट्स अपने से बनते हैं और कुछ नहीं बनते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे सारे एलिमेंट्स बने, पर जो एलिमेंट आपके हाथ में जमा हुआ है वो आपको परफेक्ट बनाना आना चाहिए। ठीक है, इसकी फिलिंग मैंने प्रॉपर गेपिंग के साथ की है। इसमें मैंने 3 लाइनें ली है ताकि उसमें लुक थोड़ा अच्छा आए, और मैंने साइड में कंगूरे की डिज़ाइन ली है। आपको इतनी चीज़ तो समझ आ गई होगी कि आपको अब इसको कैसे बनाना है। इसके फेदर आप ऊपर भी बना सकते हैं, सीधे भी बना सकते हैं और नीचे भी बना सकते हैं। आपने काफ़ी सारे पिक्चर्स देखे होंगे पिकॉक मेहंदी डिज़ाइन के, काफ़ी अलग अलग तरीके से ये एलिमेंट्स बनते हैं। तो आप इसमें कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि आप ऐसे ही बनाओ, ये सिर्फ आपको एक आइडिया के लिए मैं बता रही हूँ। इसके आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको इसकी नेक को कैसे बनाना है और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपसे मिस्टेक होगी, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको ड्रॉ करती हूँ इसका फेस। ठीक है, फेस आपने ड्रॉ किया है, इसके अंदर फील आपको एक डार्क फील करना है, आईज़ के लिए आपको एक जगह छोड़नी है, वो आपको कैसे बनानी है वो आपके ऊपर है। अगर आपकी पिकॉक का शेप छोटा है तो आपको नेक भी पतली रखनी पड़ेगी। आप नेक को इतना मोटा करोगे तो वो शेप बिल्कुल नहीं जमेगा। जैसे आप इधर देख सकते हो, मेरा फेस जो पिकॉक का है वो बड़ा है और नेक बहुत पतली सी मैंने बनाई है। नेक जितनी पतली आप रखोगे पिकॉक का शेप उतना ही अच्छा लगेगा। पिकॉक का शेप आपको कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है, और उसकी अगर आप नेक बनाते तो पहले इस टाइप से लाइन लेनी है जैसे मैंने लिया है, और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि नेक कितनी पतली रखनी है अपन को। जितनी पतली आप नेक रख सकते हैं उतना रखना है, जिस हिसाब से लाइक दिस कुछ इतना पतला आप नेक को रख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको लगे तो आप उसको थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं। डिज़ाइन देखने के बाद आपको पता चलेगा, पूरा ड्रॉ होगा उसके बाद कि वो किस हिसाब से ड्रॉ करना है। अब अपन बात करते हैं पिकॉक के आइज़ की और चोंच की। उसकी चोंच का फिक्स पॉइंट कैसा होना चाहिए, मतलब प्रॉपर चोंच को बनाना कहाँ चाहिए। तो वैसे तो ये चोंच बिल्कुल आइज़ के नीचे की तरफ बनेगी, तो सबसे पहले आप पिकॉक के आइज़ को ड्रॉ कर लेना, मतलब उसकी आइज़ के शेप को ड्रॉ कर लेना, और उसके बाद उसकी चोंच को ड्रॉ करना जिसे मैंने अभी ड्रॉ किया है। उसके नेक्स्ट बाद आपको उसके केरी के शेप को ड्रॉ कर लेना है, जो कि उसके बॉडी के शेप से थोड़ा सा दूर होना चाहिए, और केरी के शेप से ही उसका बॉडी शेप अपन डिसाइड कर सकते हैं। उसको बहुत ज़्यादा दूर नहीं करना है और बहुत ज़्यादा पास नहीं रखना है। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर वाले पार्ट को जो नेक का अपन ने ड्रॉ किया था उसको केरी से मिला देना है। अब आप देख सकते हो ये पूरा शेप आपको कैसा दिख रहा है। जिस हिसाब से आपको ये पूरा पिकॉक का शेप दिख रहा है ऐसा अपन को ड्रॉ करना है। पूरा शेप ड्रॉ होने के बाद अपन उसके आइस को ड्रॉ कर देंगे। मैंने एक डॉट दे दिया है, आप पूरी आइस बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी जो पीछे फेस में जो अपन पिकॉक बनाते हैं वो वाला डिज़ाइन, कि वो कैसे ड्रॉ होगा। आपको उसकी नेक को पहले ड्रॉ करना है। अपन ने पहले वाले में उसके फेस को ड्रॉ किया था, इसमें अपन को नेक को ड्रॉ करना है और उसके बाद उसका फेस ड्रॉ होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा आपको नेक पतली रखनी है, तो कुछ इस हिसाब से आपका पूरा शेप ड्रॉ होगा। ठीक है, अब अपन को इसमें केरी की डिज़ाइन भी ऐड करनी है, तो वो आपको उसके हाफ में ऐड करना है। बैक फेस वाले पिकॉक में आपको काफ़ी सारी चीज़ें लाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी ताकि आप उसे ईजीली रिमूव कर सको और उसका कोई निशान भी ना रहे। किसी के हाथ पे अगर आप बना रहे हो तो पहले लाइट लाइट ड्रॉ करना, उसके बाद उसको बनाना। अभी मैंने उसका पूरा शेप ड्रॉ कर दिया है, और अभी मैंने चोंच ड्रॉ करी। उसको मैंने जैसा कि आपको बताया आइस के नीचे की तरफ चोंच ड्रॉ होगी, तो मैंने वैसे ही बनाई है। आपको सामने बनाना हो तो उसका फेस आपको सामने रखना पड़ेगा, तो चोंच सीधी सामने बनेगी। अभी ये थोड़ा सा मेरे को शेप सही नहीं लग रहा है, तो मैं इसको रिमूव करके इसको सही शेप, प्रॉपर शेप जो मेरे को अच्छा लगता है वैसा शेप में ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ चुके होंगे कि आपको इसको बार बार रिमूव करने की ज़रूरत पड़ सकती है। पूरा ड्रॉ होते होते आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी लगेगी कि नहीं यार ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तो आपको उसे बार बार रिमूव करना पड़ेगा।
पर रिमूव आपको करना है तो उसको पहले लाइट बनाना, पूरा बनने के बाद उसको डार्क कर देना, ठीक है। नॉर्मली मेरे स्टूडेंट कुछ इस तरह से पिकॉक के डिज़ाइन बनाते हैं, जो कि कहीं कहीं उसकी जो शेप होती है वो बिल्कुल सही नहीं होती है। आप उसको कहाँ ख़त्म करते हो, कहाँ से शुरू करते हो, उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। इतना बनाने के बाद आपको शेप तो मिल जाएगा, पर वो परफेक्शन नहीं मिल पाएगा जो आपको मिलना चाहिए, ठीक है। आप ये शेप बहुत इजीली यूं भी बना लेते होंगे, पर उसमें वो चीज़ नहीं मिल पाती होगी। आपको बैक साइड इतना आगे रखना है केरी के साथ, देखो ठीक है, इतना आगे उसको रखना है, नेक पतली रखनी है, केरी के पास में उसका बॉडी शेप ख़त्म होना चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा ही डिस्टेंस होना चाहिए दोनों में, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अभी तक जितने भी मैंने बॉडी शेप ड्रॉ किए हैं पिकॉक के, वो आप एक बार ध्यान से देखना, आपको समझ आ जाएगी दोनों में मैंने एक जैसा डिस्टेंस रखा है, ठीक है। पिकॉक के डिज़ाइन में जब आप केरी का डिज़ाइन ड्रॉ करते हो तो वो एक प्रॉपर गोल शेप में ड्रॉ होना चाहिए, ऐसा। इस टाइप का डिज़ाइन आपको उस डिज़ाइन को और अच्छा दिखाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अभी मैंने जो ड्रॉ किया है वो सामने फेस वाला ड्रॉ किया। अभी तक मैंने मोर का नीचे वाला फेस ड्रॉ किया था, जो नीचे देख रहा था वैसा ड्रॉ किया था। अभी मैंने उसको थोड़ा सा सामने की तरफ ड्रॉ करने की कोशिश की है, ताकि मैं इसको भी आपको ईजीली बता सकूँ। इसको मैं, जैसे मैंने अभी तक ड्रॉ किया था, लाइट और डार्क शेड को ध्यान में रखते हुए उसको मैं ड्रॉ कर रही हूँ। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। इसमें आपको और क्या सीखना है और आपको इसमें और क्या नहीं समझ आया, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी समझ आए कि पिकॉक मेहंदी डिज़ाइन का सेकेंड पार्ट मुझे किस टॉपिक पर बनाना है। इसके अलावा भी आप मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि उस पर भी मैं एक अच्छा सा टॉपिक लेके आ पाऊँ। और किस हिसाब से आपको पिकॉक डिज़ाइन ड्रॉ करना है वो तो मैंने आपको क्लियर बता ही दिया है। इसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें।